वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस लिखना है। जब कभी भी हम डिफरेंस लिखें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस लिखने का कि हम दो कॉलम बना लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ लिख लेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना। और ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगा? एक सिंगल पेरेंट से, एक सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से नई स्पीसीज का, मींस न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, उसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स मींस एक मेल और एक फीमेल दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाके एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा जैसे बडिंग किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। और अमीबा में क्या होता है? अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। प्लाज्मोडियम ले सकते हैं हम, प्लेनेरिया ले सकते हैं। ये सब क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एग्जांपल लिखेंगे? डॉग, कैट, रैट और ह्यूमन बींग, एप्स, मंकी, इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये दो डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय रीजनरेशन? राइट द टू एग्जांपल। रीजनरेशन क्या होता है और रीजनरेशन का दो एग्जांपल लिखना है। रीजनरेशन, री का मतलब दोबारा से, जनरेशन का मतलब जनरेट होना। दोबारा से जब बॉडी जनरेट होती है उसे कहते हैं रीजनरेशन। जैसे कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी एक बार बॉडी लॉस कर सकते हैं, दोबारा से एग्जैक्ट बॉडी को वो गेन कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं, उसे कहते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन का दो एग्जांपल हो गया, एक हो गया लिजार्ड और दूसरा हो गया प्लेनेरिया। ये दो एग्जांपल किसका हो गया? रीजनरेशन। रीजनरेशन यही चीज की एक बार बॉडी को एग्जैक्ट बॉडी लॉस करना, दोबारा से ही ये कैपेसिटी होना कि हम एग्जैक्ट बॉडी दोबारा से रिगेन कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है रीजनरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल। दो एग्जांपल की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन करना है और राइट द टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो एग्जांपल लिखने हैं। दो एडवांटेज लिखने और उसका दो एग्जांपल लिखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट का प्रोडक्शन होना प्लांट के किसी भी एक्सपार्ट से। मींस प्लांट का हमें कोई भी एक्सपार्ट मिल जाए, या तो उसका लीफ मिल जाए, या तो उसका रूट मिल जाए, या तो उसका स्टेम, इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट से हम क्या करेंगे? नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, मींस नया प्लांट बनाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें प्लांट का कोई भी एक्सपार्ट लेके उससे हम नए प्लांट को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का दो एग्जाम्पल बताना, तो इसका दो एग्जाम्पल हो गया जैसे पोटैटो और ब्रायोफाइलम। पोटैटो में क्या किया जाता है? पोटैटो में जहाँ से उसके आइस मीन्स जहाँ से ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, जो आइस ग्रोथ होती हैं, उसी से हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्लांट पोटैटो की ग्रोथ कराते हैं। और ब्रायोफाइलम में क्या करते हैं? हमें कोई भी उसकी लीफ मिल जाए, उस लीफ से हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हो गया किसका? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। नेक्स्ट स्टेप में ये पूछा गया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या होता है। बहुत कम समय में हम बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, और किसी भी सीजन में कभी भी हम प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? किस तरीके से बाइनरी फिजन किससे अलग है मल्टीपल फिजन से? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है, मीन्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और उससे बस दो नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है
कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करेगा, डिवाइड करेगा और उससे बस दो नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। और मल्टीपल, नाम से पता चला मल्टीपल मींस बहुत सारे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना। इसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है मींस डिवाइड करता है और उससे टू या मोर मींस दो से ज़्यादा नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में बस दो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन किससे डिफरेंट होता है, मल्टीपल फिजन से। और अगर हम बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। और मल्टीपल एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। और जब इसका पैरासाइट डिवाइड करता है तो ये मल्टीपल नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द लेयरिंग मेथड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। लेयरिंग मेथड जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट से बिलोंग करता है उसको डिस्क्राइब करना है। और साथ साथ में नेम एनी फाइव प्लांट विच आर प्रोपोगेटेड बाई लेयरिंग मेथड। पांच ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसके अंदर लेयरिंग मेथड होता है। लेयरिंग, लेयरिंग नाम से पता चला मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन होना। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन में बहुत सारी ब्रांचेस उसकी ओरिजिनेट होती हैं, उसमें से एक या दो ब्रांच या उससे भी ज़्यादा ब्रांच ग्राउंड से टच करती हैं। ग्राउंड से टच करने के बाद उसके ऊपर सॉइल कवर हो जाता है, फिर उसी से रूट का ओरिजिनेशन होता है, लीव्स का ओरिजिनेशन होता है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है और उसी से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या हुआ, ब्रांच से नए प्लांट की ग्रोथ हुई, एक ब्रांच ने नए प्लांट का फॉर्मेशन किया, उसे क्या बोलते हैं, लेयरिंग। और लेयरिंग का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे कि लेमन में भी ऐसा होता है, लेमन की बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती, एक ब्रांच उसमें से ग्राउंड से टच कर गई फिर उसमें से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। गुआवा में भी ऐसे होता है, जैस्मिन में भी ऐसे होता है, हिबिस्कस में भी होता है और ब्रोंकिबिलिया में होता है। इन सब में क्या होता है, लेयरिंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो लेयरिंग मेथड क्या होता है, इसमें से एक कोई ब्रांच ग्राउंड से टच कर जाएगा और उसी से नए प्लांट की ग्रोथ होगी, उसे कहते हैं लेयरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर बर्थ कंट्रोल। तीन ऐसे मेथड का नाम बताओ जो बर्थ कंट्रोल में यूज किया जाता हो और उसका एक एक एग्जांपल बताना है। बर्थ कंट्रोल के तीन मेथड, सबसे पहला बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में क्या क्या आता है, कॉन्डम और डायाफ्राम। एक्सप्लेन नहीं करना, बस नाम लिख के उसका एग्जांपल लिखना। उसके बाद दूसरा आता है केमिकल मेथड। क्या आता है, केमिकल मेथड। और इस केमिकल मेथड में आता है एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड और एक होता है वजाइनल पिल। ये दो आते हैं किसके अंदर, केमिकल के अंदर। उसके बाद तीसरा आता है सर्जिकल मेथड। कौन सा आता है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो आते हैं, ट्यूबिकोटॉमी एंड वेसिकोटॉमी। ये किस में आता है, सर्जिकल मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या क्या आ गया, कॉन्डम डायाफ्राम एंड केमिकल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड एंड वजाइनल पिल। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड में ट्यूबिकोटॉमी एंड वेसिकोटॉमी। इसमें यही पूछा गया, तीन मेथड के नाम बताओ, उसका नाम लिखो और साथ साथ में उसके एक एक एग्जाम्पल बताओ। तो हमने एक एक एग्जाम्पल के साथ साथ दो दो एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और इसी एम्ब्रियो से जो है एक फ्यूटस का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और अगर ह्यूमन बींग की फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट फिर डिवाइड करता है, उसके बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यही इम्ब्रियो फिर जाके यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। और कौन सी वॉल से अटैच होता है, दैट इज इंडोमेट्रियम। यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होता है।
अटैचमेंट होने के बाद, इम्ब्रियो का अटैचमेंट होने के बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और यही इम्ब्रियो आगे जाके जो है क्या होगा, डेवलप होगा और एक फ्यूटस का फॉर्मेशन करेगा और इसी फ्यूटस आगे जाके एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन करेगा। बेबी के डेवलपमेंट होने के बाद 9 मंथ के बाद वजाइना से क्या हो जाएगा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, इसीलिए वजाइना को बर्थ कैनाल बोला जाता है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन भी होता है और इस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है किसके अंदर, वुमेन बींग के अंदर। तो हमने व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी एज होती है जब मेल और फीमेल मींस गर्ल्स और बॉयज पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं और उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन जो है बॉडी के अलग अलग एक्टिविटी में रोल परफॉर्म करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम फीमेल की बात करें मींस गर्ल्स की बात करें तो ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ओवरी भी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है गर्ल्स में और बॉयज में टेस्टिस मैच्योर हो जाता है, ओवरी ओवम स्टार्ट करने लगता है मींस सिक्रीट करने लगता है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और बॉयज़ में जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है और जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। और ओवरी दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन जो मेल और फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो जब गर्ल्स और बॉयज मींस गर्ल और बॉय जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं और उनकी बॉडी में ओवरी और टेस्टिस का मतलब वो भी मैच्योर हो जाता है और वो स्टार्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं, बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस क्रिएट होते हैं, इसी एज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। The next question is, state the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. किस तरीके से ऐसा क्या एडवांटेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एज कम्पेयर टू asexual reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब दो गैमेट्स मीन्स मेल और फीमेल दो गैमेट आपस में इन्वॉल्व हो रही हैं और उससे नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितनी भी स्पीसीज बनेंगी वो क्या होंगी, उनमें वेरिएशन होगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से तो कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं और सिंगल पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट विल क्रिएट अ वेरिएशन, वो वेरिएशन भी क्रिएट करेगा और उससे इवोल्यूशन भी होगा, और जब तक इवोल्यूशन नहीं होगा तब तक वेरिएशन नहीं होगा, इस पूरे इकोसिस्टम इस पूरे इन्वायरमेंट में कहीं भी कोई चेंजेस क्रिएट नहीं होगा। अब सपोज करते हैं अगर सारी स्पीसीज एक जैसी होती, सेम होती, तो कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता किसी को भी, मतलब वो किसके बच्चे हैं, वो किसके बच्चे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती और इस पूरे इन्वायरमेंट में इस पूरे इकोसिस्टम में बस सेम टाइप ऑफ स्पीसीज सर्वाइव करती, ना तो उनका हैबिटेट प्रॉपर होता, ना तो उनका जो है खाने का तरीका, ना तो मतलब कोई भी चीज़ सेम नहीं होती, बहुत कुछ ऐसा हो जाता। तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये वेरिएशन क्रिएट करता है एंड इट विल क्रिएट अ वेरिएशन एंड वेरिएशन विल क्रिएट अ इवोल्यूशन। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो वेरिएशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे डिफरेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमन फीमेल, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है उसे डिस्क्राइब करना। मेंस्ट्रुएशन तब होगा जब 14 डेज पे एक ओवम जो सिक्रीट हो रहा है वो अनफर्टिलाइज्ड होगा, मींस जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होता। अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया जो 14 डेज पे सिक्रीट हो रहा है तब वो लेडी क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो अनफर्टिलाइजेशन के केस में ही मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्टिलाइजेशन के केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। अब ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, उस ओवम को मींस जो ओवम रिलीज होता है 14 डेज पे, उस ओवम को रिसीव करने के लिए जो यूट्रस होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है, ब्लड वेसल से यूट्रस की वॉल फिल हो जाती है। और जब वो ओवम रिलीज हुआ, अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तब क्या होगा,
ब्रेक डाउन हो जाएगी, यूट्रस की वॉल क्या होगी टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स फिल्ड है वो क्या होंगे, वो भी ब्रेक डाउन होंगे और वजाइना से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। यही जो इंडोमेट्रियम वॉल के ब्रेक डाउन होने से वजाइना से ब्लीडिंग हो रही, इसी प्रोसेस को कहते हैं मेंसुरल साइकिल। क्या बोलते हैं, इसी को मेंसुरल साइकिल कहते हैं। और मेंसुरेशन क्यों होता है, जब ये ओवम रिलीज जो हो रहा है ये अनफर्टिलाइज्ड होगा तभी मेंसुरेशन होगा, अगर ये ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तब मेंसुरेशन नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन का ट्रांसमिशन होना, ट्रांसफर होना, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नाम से पता चला है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेम प्लांट के एंथर से, और उसी सेम प्लांट मतलब फ्लावर सेम होगा, प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम, उसी सेम फ्लावर के एंथर से उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, इस तरीके से जब पॉलन का ट्रांसमिशन होता उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इन क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एक प्लांट के मींस एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट के एंथर से सेम फ्लावर और सेम प्लांट के स्टिग्मा पे, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या होता है। फूड चेन का मतलब जैसे प्लांट हो गया, प्लांट के ऊपर ग्रास ऊपर डिपेंडेंट, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को इस ईगल ने खाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट से एनर्जी किस में जा रहा, फूड किस में जा रहा, ग्रास ऊपर किससे फूड ले रहा, प्लांट से, और फ्रॉग किससे फूड ले रहा है, ग्रास ऊपर से, स्नेक किससे फूड ले रहा, फ्रॉग से ले रहा, ईगल किससे फूड ले रहा, स्नेक से ले रहा, तो ये क्या हो रहा है, फूड चेन मींस एक सिस्टम से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक क्या आ रहा, फूड का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यही जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यही जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है मींस फूड का ट्रांसफर हो रहा है, इसे कहते हैं फूड चेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब इस इन्वायरमेंट में जितनी भी स्पीसीज सर्वाइव करती सबका एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। जैसे प्लांट का एनिमल के साथ, ह्यूमन बीइंग का भी एनिमल और प्लांट के साथ होता है, इस तरीके से जितनी भी स्पीसीज इस इन्वायरमेंट में इस इकोसिस्टम पे सर्वाइव करती हैं सबका क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्शन होता है। तो इंटरकनेक्शन ऑफ ए बायोटिक एंड बायोटिक, नॉन लिविंग और लिविंग सबका कनेक्शन होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के साथ जो एनिमल्स का कनेक्शन होता है, स्पीसीज का कनेक्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो इजिली सोल्यूबल हो जाए, मींस इजिली डिकम्पोज हो जाए, उसको इजिली जो इस इन्वायरमेंट में इस इकोसिस्टम पे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं वो इजिली उसको ब्रेक डाउन कर दे एक सिंपल सब्सटेंस में, और वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बट ऐसे सब्सटेंस, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो इजली डिकम्पोज ना हो और साथ साथ में वो हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाएंगे, और साथ साथ में और उनका जो मींस जो सब्सटेंस जैसे DDT हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता, साल दो साल बहुत साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, और इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है, और वो क्या करता है, जितनी भी स्पीसीज आसपास सर्वाइव करती उनको वो डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजली डिकम्पोज हो जाए बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बट ऐसे सब्सटेंस जो इजली डिकम्पोज ना हो और वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या वेस्ट मटेरियल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड का नाम बताना। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे डिवाइस का यूज करना जिससे हम किसी भी वुमेन को किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉर प्रेगनेंसी। अगर कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो उस कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड से हम उसको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ गया बैरियर मेथड, दूसरा आता है केमिकल मेथड, और तीसरा हो गया सर्जिकल मेथड।
जिसमें बस मेथड के नाम लिखने हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं करना है। तो क्या क्या हो गया, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल, इन तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेडी को, किसी भी वुमेन को प्रिवेंट कर सकते हैं किससे, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एक्सप्लेन मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, जब सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था, स्टेम की हाइट ही तो नहीं थी, स्टेम की हाइट से क्या किया था, क्रॉसिंग कराई थी, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जिसमें हम दो कैरेक्टर लेके क्रॉसिंग कराते हैं उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया, जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर से ही नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते, एक सिंगल कैरेक्टर की आपस में क्रॉसिंग कराते उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जिसमें दो कैरेक्टर लेके हम क्रॉसिंग कराते उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी, गिव इट्स वन हार्मफुल इफेक्ट। सीएफसी का फुल फॉर्म लिखना है, सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ये होता है, ये सीएफसी किससे रिलीज होता है, ये गैस रेफ्रिजरेटर से। और रेफ्रिजरेटर मीन्स ये जो सीएफसी है ये क्या कर रहा, हमारे ओजोन में होल कॉज कर रहा है, और इसी सीएफसी की वजह से ओजोन में डिप्लेशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो सीएफसी क्या करता है, ओजोन में होल कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेन बाय इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मीन्स किसी भी चीज का इम्प्लांट हो जाना। तो जब इम्ब्रियो मीन्स जायगोट के बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यही इम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल से आके अटैच हो जाता है, जैसे इम्ब्रियो का अटैचमेंट यूट्रस की वॉल से होता है उसे क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो अटैचमेंट ऑफ इम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ यूट्रस, इम्ब्रियो का अटैचमेंट होना यूट्रस की वॉल से उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होगा तभी वुमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना यूट्रस के इनर वॉल से, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन लेडी विल बी प्रेग्नेंट। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।